हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम आपको मैथ्स ऑफ सीरियरी के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ सीरियरी जो 100 मार्क्स का होता है, फुल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और आपको समय मिलता है वो 3 घंटे का समय मिलता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आंसर एट क्वेश्चंस सिलेक्टिंग एट लीस्ट टू फ्रॉम ईच ग्रुप, और आपको प्रत्येक ग्रुप से 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, और टोटल आपको 8 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और प्रत्येक ग्रुप से आपको 2-2 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए अब ग्रुप वाइज बांटा गया है। देखिए ग्रुप ए में आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप ए में पढ़ना है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस। ग्रुप ए में जो बुक पढ़ना है आपका वो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिससे कि 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे, 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है या टॉपिक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जैसे कि लेबनीज़ थ्योरम, टेलर्स सीरीज एंड मैकलोरिन सीरीज, और पार्शियल डेरिवेटिव्स, यूलर्स थ्योरम। तो इसका ये टॉपिक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो पढ़ना है वो ग्रुप ए ही में जो पढ़ना है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब इसका टॉपिक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे कि 3 क्वेश्चन रहेगा। इंटीग्रल कैलकुलस से भी 3 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, और डिफरेंशियल कैलकुलस से भी 3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अब इसको टॉपिक को आप देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन कौन सा टॉपिक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बी में कौन सा बुक पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस। कौन सा पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस, जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। उसके बाद ग्रुप बी में आपको सिर्फ वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, जिससे कि 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ग्रुप सी में देखिए, ग्रुप सी में आपको पढ़ना है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक बुक है जिसमें ये सब चैप्टर है आपका, जैसे कि पोलर फोर्सेस सिस्टम, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये सब इसका टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो यही है आपका BSc पार्ट 2 मैथ सब्सिडियरी का सिलेबस, जो कि 3 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। टोटल आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक ग्रुप से आपको 2-2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।